हाय एवरीवन, यूं तो आपने अरबी के बहुत व्यंजन खाए होंगे, जैसे कि अरबी मसाला, दही वाली अरबी, अरबी परांठा। पर आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है हिमाचल की बहुत ही फेवरेट और ऑसम अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। अरबी के पत्तों की सब्ज़ी जो है वो एक नाइस चेंज है रेगुलर सब्जियों से, और इसके लिए हमें सॉफ्ट छोटे अरबी के पत्ते जो हैं वो रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, और इसमें फाइबर, विटामिन ए सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। चलिए अब और जान लेते हैं कि पत्तों के साथ साथ हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने लिया है 2 कप मक्की का आटा, 1 कप बेसन, हींग, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, नमक, सरसों का तेल, हल्दी, सौंफ, गरम मसाला, जीरा, साबुत धनिया। मैंने लिया है हल्दी का ये पत्ता, जिसको कि हम अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। और मैंने लिए हैं लौंग के पत्ते, इनको हम बोलते हैं लौंग के पत्ते क्योंकि इनकी जो महक है वो लौंग के जैसे होती है। हमारा जो मसाला है वो हमने कोरसली ग्राउंडेड ही रखना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, ताकि पत्तों की सब्ज़ी खाते समय ये मुँह में ना आए। इसके बाद ये जो पेस्ट है इसको हम ऐड कर देंगे मक्की के आटे और 1 कप बेसन में, और फिर हम पानी डाल के थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में इसे गूंथ लेंगे। और मैं ले रही हूँ 2 लौंग के पत्ते, जिसको कि मैंने मिक्सी में नहीं क्रश किया बल्कि अपने मॉर्टर एंड पेसल में क्रश करके इस पेस्ट में ऐड कर लूँगी। 3 या 4 पत्ते लेंगे, मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 पत्ते, अगर आप चाहें तो आप 2 पत्तों का भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम 4 पत्तों में से जो सबसे बड़ा पत्ता है उसे हम लेंगे और उल्टा करेंगे, और इसकी जो ये स्टॉक है, जो इसके नीचे डंडी है, उसे आप काट देंगे। इसके बाद आप इसमें एक स्लिट लगाएंगे और ये बन जाएगा हार्ट शेप पत्ता। बड़ा पत्ता है उसकी हम उल्टी तरफ, जो बैक साइड है पत्ते की, उसके ऊपर ये पेस्ट लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेस्ट थोड़ा सा मैंने टाइट ही रखा हुआ है। थोड़ा सा हम पानी प्लेट में डालेंगे और पेस्ट को लेंगे, हल्का सा गीला करेंगे ताकि हमारा हाथ जो है इस पत्ते के ऊपर ये पेस्ट चले, और हम इसको हम इवनली स्प्रेड करेंगे पत्ते के ऊपर। इस पेस्ट को अच्छे से हमने ये इस पेस्ट को पूरी तरफ इवनली स्प्रेड करना है, चारों तरफ बराबर लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक पत्ते पर मैंने पूरा इवनली ये पेस्ट लगा लिया है। अब हम लेंगे दूसरा पत्ता, उसको भी हम उसकी जो स्टॉक है, जो डंडी है, उसे काट लेंगे, पर अब ये जो हम पत्ता रखेंगे वो ऑपोजिट साइड रखेंगे। फिर इसको भी हम इस पेस्ट से पूरा स्प्रेड कर देंगे। देखिए आप इस पेस्ट को आराम से पूरी तरफ अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। अब हम ले रहे हैं तीसरा पत्ता। जो पेस्ट है उसको आपने लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, जैसे कि हम बचपन में गम से बुक्स चिपकाते थे वैसे ही हमें गम की तरह इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है।
और क्योंकि हम इनको बांधते समय धागा नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर हमें ये जो पेस्ट है अच्छे से ही लगाना है। और ये रहा हमारा चौथा पत्ता, जिसको कि हम फिर से उल्टी दिशा में लगा रहे हैं। एक पत्ता सीधा, एक पत्ता उल्टा। और आप देखें पेस्ट जो है कैसे अच्छी तरह लगा रही हूँ मैं। इसके बाद जो स्टेप है उसको आप बड़े ध्यान से देखें, वो है फाइनल स्टेप फोल्डिंग का। प्रोसेस को मैं इस पत्ते के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये हमने पत्ता लिया तो हमें इसको आधा ही फोल्ड करना है, हाफ का भी हाफ, और सेम वे यहाँ पे भी हमने हाफ ही करना है। फिर ये एंड और ये एंड इसको हम आपस में मिला देंगे। फिर इसके बाद जो कॉर्नर्स हैं, दोनों साइड्स की जो एजेस हैं, उनको हमें आपस में मिलाना है। फिर इसके बाद फिर से पेस्ट जो है वो अप्लाई करना है, इवनली स्प्रेड करें ताकि रोलिंग में उसको हेल्प मिलेगी। अगर ये आप अच्छे से पेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा जो ये पतरोड़ू है वो खुल जाएगा। हम कोई धागा इसके ऊपर नहीं लगाने वाले, इसलिए हमें पेस्ट जो है उसको लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा पतरोड़ू को रोलिंग करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहुत ही टाइट तरीके से आपने इसे रोल करना है। अगर आप इसे ढीला छोड़ देंगे तो ये स्टीम करते समय खुल जाएगा। तो इस बात का आपने खास ध्यान देना है कि ये जो रोल हो रहा है पतरोड़ू, इसको बहुत ही टाइट रोल करना है। और जो लास्ट में आप देखें, जो लास्ट कॉर्नर बचेगा, इस पे हम फिर से थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम कोई चिट्ठी चिपकाते थे पहले, एनवलप चिपकाते थे, उसके ऊपर हम अंदर गम लगाते थे, तो सेम वे हमने उसके ऊपर फिर से पेस्ट लगाना है। और ये आपका प्यारा सा एक रोल बन के तैयार हो जाएगा। फिर जो है हमने जो साइज जो है इसकी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये पेस्ट अप्लाई कर देना है। दोनों जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स जो हैं, उनके ऊपर भी दोनों तरफ किनारों में हम इस पेस्ट को लगा देंगे, ताकि ये जो रोल है वो टाइट बंधा रहे, खुले नहीं। बाद जो हमारा ये जो रोल बना है उसको कुकर में कैसे रखना है आपने, वो मैं तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास सेपरेटर और उसके नीचे रखने वाली बेस नहीं है, तो आप चार फोक्स ले सकते हैं और उन फोक्स को आप यूं उल्टा करके कुकर में रख सकते हैं। और इसके बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जो आपके पतरोड़ू हैं वो डूबे नहीं। मेरे पास ये स्टील की एक रिंग है जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है किसी भी स्टील शॉप पे। इसको आप नीचे रख सकते हैं और इसके ऊपर से फिर कुकर में आप पानी डाल दें। फिर यहाँ पर एक और टिप है कि जो पानी है उसमें हमने ऑयल का एक चम्मच डाल देना है, ताकि कुकर में जो पानी है वो खत्म ना हो। इसके बाद आप लगा लें सेपरेटर। फिर जो मैंने शुरू में आपको हल्दी का एक पत्ता दिखाया था, उसको हम बेस पे बिछा देंगे। और इसके ऊपर हम इस जो हमारा ये जो अरबी के पत्ते का रोल है, इसको हम रख देंगे। और हम इसको विसल लगा के 5 या 6 सीटियां लगवाएंगे। हमने अरबी के जो रोल्स हैं वो कुकर में सेपरेटर की मदद से डाल दिए हैं। और पानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितना उतना ही पानी डालना है कि जो
अरबी के ये जो रोल्स हैं वो पानी के ऊपर हो जाएं। अब हम इसे 5 या 6 विसल देंगे और मध्यम आंच पे पत्रोड़ों को स्टीम करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि 4 या 5 विसल आने के बाद उसको तुरंत बंद कर दें, उसके बाद उसी में ही उसे ठंडा होने दें और जब वो ठंडे हो जाएं तभी निकालें। मैंने पत्रोड़ों को स्लाइसेस में काट लिया है, आप चाहें तो आप इनको यूं भी खा सकते हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो एक वेरिएशन तो ये है कि आप इसमें चाट मसाला डालकर आप यूं भी खा सकते हैं। पत्रोड़ों को फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ घर का बनाया हुआ बटर और उसमें मैंने डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ज़ीरा। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और आपकी रेडी हो जाएगी एक पेस्टिसाइड फ्री लीफी वेजिटेबल। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम।